हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉयस किचन। आज की रेसिपी है वेज हक्का नूडल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, क्विक रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग इंस्ट्रक्शंस पैकेट के पीछे लिखे रहते हैं। ये मैंने हक्का नूडल्स ली है वाई की, ऐसे चिंग्स की भी मिलती है। तो आप जब भी नूडल्स लें, पतली थिन नूडल्स जो होती हैं वो लें, मोटे वाले नूडल्स का अच्छा नहीं बनता है। हक्का नूडल्स या चाउमीन भी जब आप बनाएं तो पतले नूडल्स का यूज़ करें, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया एक चम्मच, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें सॉल्ट, नमक। बस इसको 4 से 5 मिनट बॉईल करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये नूडल्स 70-80% बॉईल किए जाते हैं, इनको बिल्कुल गलाया नहीं जाता है, क्योंकि फिर हम इसको कुक करेंगे तो उसमें ये पक जाते हैं। 5 मिनट इसको उबालना है और गैस को बंद कर देना है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट डन है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। नूडल्स उबल चुके हैं, अब इनको बना लेते हैं। तो पहले एक स्ट्रेनर लेके, एक छन्नी लेके नूडल्स को छान लेंगे, और छानने के साथ ही बहुत ज़रूरी काम, ठंडे पानी से इसको फिर से धो देना है, जिससे कि ये ओवर कुक ना हो, इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये मैं तो हाथ लगा रही हूँ, आप ऐसे नहीं करिएगा। फिर से इसमें आधा चम्मच ऑयल, ताकि आपस में चिपके ना। आप इसे 2 घंटे 4 घंटे शाम तक रख सकते हैं, जब आपके गेस्ट आएँ या जब बच्चे बोले तब आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये 5 से 6 घंटे के बाद भी बनाना है तो आप इसमें अच्छे से इसको ऑयल डाल के रख दें 1 से 1.5 चम्मच, और शाम को आराम से या जब भी आपके गेस्ट आएँ आप उसको कढ़ाई में फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो अब चलिए चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, साथ में कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। मैंने इसमें सब चीज़ थोड़ी कम यूज़ की है, आप चाहें तो लहसुन और जो मिर्च है उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब क्या करना है, अब इसमें सब्जियां डालनी है। ये मैंने पत्ता गोभी डाली है इसमें, बारीक कटी हुई, पतली पतली मैंने काट के रखी थी। साथ में इसमें मैं डालूँगी येलो कैप्सिकम, पीली शिमला मिर्च जो होती है, लाल वाली शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई, और साथ में हरी शिमला मिर्च। अगर लाल और पीली शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें गाजर बारीक काट के डाल लें, आप इसमें ब्रोकली डाल सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाल पीली शिमला मिर्च का ही यूज़ करें, जो सब्ज़ी आपके बच्चों को घर में सबको पसंद है वो आप इसमें यूज़ कर लें। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, इसको क्रंची रखना है। 5 मिनट मैंने सब्जियाँ पका ली हैं, इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। अब इसमें जाएगा, इसमें डाला है मैंने चिली सॉस 1.5 चम्मच, सोया सॉस 1.5 चम्मच, और इसको कर लेते हैं टॉस बहुत ही अच्छे से। टॉस करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको। अब इसमें फाइनल टच देना है। तो जो पैकेट मैंने आपको दिखाया था वाई नूडल्स का, या हक्का नूडल्स जो आप मार्केट से लाएंगे, उसमें एक आता है मसाला, मैगी मसाला या टेस्ट मेकर जो भी आप बोल लें, इस पैकेट को मैं डाल दूँगी इसमें। और हमारे हक्का नूडल्स बनके रेडी हैं। आप क्या प्लेटिंग टाइम, आप इसे मंचूरियन के साथ सर्व करें, आप चिली पनीर के साथ सर्व करें, या ऐसे भी कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर से आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।